श्रीदेवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम फैशन रिलेटेड दो टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करेंगे। एक है आपका सेल्वेज और दूसरा ग्रेन लाइन। कपड़े की जो भी किनारी होती है, जो साइड में फिनिशिंग दी जाती है, उसे हम सेल्वेज कहते हैं, और जो कपड़े की बुनाई प्रक्रिया होती है वो हमारी ग्रेन लाइन कहलाती है। तो आज हम उसके डेफिनेशंस, टाइप्स और यूजेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सेल्वेज। सबसे पहले हम सेल्वेज की डेफिनेशन देखते हैं। सभी प्रकार के कपड़ों के दोनों और आधा इंच या फिर 3/4 इंच की किनारी होती है। ये किनारे कपड़े से हटकर या अलग दिखाई देती है। सेल्वेज से कपड़ा दोनों ओर से स्थिर से बंधा रहता है और धागे बिखरे हुए नहीं दिखाई देते। वे कपड़े को पकड़ने में भी आसानी होती है। जब भी कभी हम मार्केट में जाते हैं या फिर जब भी कोई कपड़े को प्रिंटेड किया जाता है या फिर उस पे कोई कलर डाला जाता है, तो कभी भी कपड़े के मिड से पकड़ करके उसको नहीं फिनिश किया जाता। या फिर कोई कलर करना है, प्रिंट करना है, तो मिड से नहीं पकड़ते, हमेशा उसकी साइड से पकड़ते हैं, ताकि कहीं से कोई भी कलर बिखरे ना या फिर कहीं से कोई प्रिंट खराब ना हो। जब भी हमें ब्लॉक प्रिंटिंग या फिर पेंसिल प्रिंटिंग करनी होती है, तो हमेशा हम जो भी फैब्रिक होता है उसको एक सरफेस पे बिछाते हैं और पिनों की सहायता से उस पे उसको अटैच किया जाता है। अगर हम डायरेक्ट ही फैब्रिक को किसी टेबल पे लगा दें और प्रिंट करने लग जाएं, तो कहीं से भी कपड़ा हिल सकता है और प्रिंट खराब हो जाएगा। इसलिए जो भी साइड का एरिया होता है उसको सेल्वेज के द्वारा उसे फिनिशिंग की जाती है, और उसी पे ही हम पिन की मदद से एक अच्छे से प्रिंट कर सकते। सेल्वेज हमेशा कपड़े की लेंथ के अकॉर्डिंग जो वीविंग की जाती है उसी पे ही तैयार की जाती है। कभी भी विड्थ साइड से सेल्वेज नहीं बनाई जाती। जो भी आपका लेंथ वाइज फैब्रिक होता है वहां पे सेल्वेज तैयार कर वे उसकी फिनिशिंग दी जाती। जिन लोगों को कपड़े की ज्यादा जानकारी नहीं होती है, वो इसकी सहायता से आराम से ये पता लगा सकते हैं कि फैब्रिक लेंथ वाइज कहाँ से है और विड्थ कहाँ से मिलेगी। जो भी सेल्वेज होती है वो हमेशा आपकी लेंथ वाइज ही होती है। वे सेल्वेज की मदद से हम कपड़े की उल्टी और सीधी साइड को भी आसानी से पहचान सकते हैं। ऐतिहासिक रूप से ज्यादातर ये शब्द बुने हुए कपड़ों पर ही लागू होता है, हालांकि अब फ्लैट बुना हुआ कपड़े पर भी इसे बोल सकते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ सेल्वेज के बारे में जान। ये 4 टाइप्स के हैं। सबसे पहले आपका आता है प्लेन सेल्वेज। ये साधारण किनारी होती है जो ज्यादातर साधारण कपड़ों पर ही की जाती है। इसमें जो भी आपका फैब्रिक होता है उसमें और सेल्वेज में ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देता। टैप सेल्वेज, ये ज़्यादातर आपके मोटे फैब्रिक्स में दिखाई देते हैं, जैसे आपके जो भी हमारे जेंट्स की पैंट बनाने के लिए या फिर डेनिम के जो फैब्रिक्स होते हैं उनके अंदर टैप सेल्वेज की जाए। थर्ड आता है आपका स्प्लिट सेल्वेज। ये ज्यादातर सिंथेटिक फैब्रिक वाले कपड़ों पर की जाती है। इसमें सेल्वेज के साइड में से थोड़े धागे निकले हुए दिखाई देते हैं। लास्ट आपका आता है फ्यूज्ड सेल्वेज। इसमें ज्यादातर रासायनिक प्रक्रिया से जो फैब्रिक तैयार किए जाते हैं या सिंथेटिक कपड़ों पर ही की जाती है। इनकी जो किनारी होती है वो ज्यादातर हाई टेम्परेचर का यूज करके या जला करके निर्मित की जाती है, ताकि धागे ना निकले। यूजेस ऑफ सेल्वेज, अब इसका यूज क्यों करते हैं? ज्यादातर कपड़े उल्टे या सीधे का हमको समझ में नहीं आता, तो अगर आपके फैब्रिक में सेल्वेज है तो उस अकॉर्डिंग हम इसके जो भी आपका फैब्रिक है उसके उल्टे और सीधे का पता चल जाता है। सेकंड आता है आपका कपड़े के दोनों ओर स्थिरता बंधी रहती है, कहीं से भी कोई कपड़ा साइड में से नहीं निकलता। इसके लिए भी सेल्वेज बहुत यूजफुल होता है। कपड़े में मजबूती आती है। कहीं से अगर मान लो धागा निकल रहा हो तो कपड़ा हमेशा लूज हो जाता है या फिर वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। अगर फैब्रिक में सेल्वेज पहले से बनी हुई है तो वो हमेशा यूजफुल रहती है, ताकि फैब्रिक खराब ना हो, और उसके जो सेल्वेज होती है वो फैब्रिक को स्ट्रॉन्ग भी बनाती है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका कपड़े का आकार सही रखना। जो भी कपड़े का आकार होता है, अगर लेंथ वाइज और अगर आपने जैसे कोई भी फैब्रिक कट किया और उसमें अगर थोड़ा सा भी क्रॉस हो जाए तो वो उरेब में बन जाता है या फिर कहीं से खिंच जाता है, तो वो एक साइड से लंबा और छोटा हो जाता है। सेल्वेज इस
इस समस्या को हमेशा दूर करता है। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया था कि सैल्वेज हमेशा लेंथ वाइज ही की जाती है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग अगर उसकी फिनिशिंग दी गई हुई है तो फैब्रिक खराब नहीं होगा और कपड़े की ग्रेन का पता भी चल जाता है। जिस साइड से सैल्वेज होगा वो हमेशा लेंथ वाइज ग्रेन होती है और जिस साइड से फैब्रिक कट किया जाता है या फिर सैल्वेज नहीं होती है वो आपकी क्रॉस वाइज ग्रेन होती है। जब भी आप कोई फैब्रिक या गारमेंट स्टिच कर रहे हैं तो उसकी फिनिशिंग के लिए भी हम सैल्वेज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई शर्ट बनाते हैं तो उसकी बटन पट्टी जब भी हम तैयार करते हैं वो हमेशा हमारी सैल्वेज के साइड से होती है, जहाँ पे हमें स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी फिनिश्ड होती है। तो और सबसे मेन होता है कि सैल्वेज के थ्रू हम कपड़े की जो भी हमारे कपड़े की वैरायटी होती है उसका भी पता चल जाता है कि कौन सा कपड़ा कॉटन है, कौन सा डेनिम है। इससे भी हमको आसानी हो जाती है क्योंकि सबकी फिनिशिंग अलग अलग प्रोसेस से की जाती है। अब हमारी टर्म है ग्रेन लाइन। ग्रेन लाइन हमेशा फैब्रिक की वेव्स या जो भी उसकी बुनाई प्रक्रिया है उसके डायरेक्शन को बताती है, जो स्ट्रेट ग्रेन हो सकती है, लेंथ वाइज ग्रेन हो सकती है, ये हमेशा सैल्वेज के पैरेलल होती है। इससे कपड़े में ये पता चल जाता है कि आपको कटिंग, जो भी आप कटिंग कर रहे हैं, वो कौन सी ग्रेन में फैब्रिक कट किया जा सकता है। अगर आपका बॉडी पार्ट है तो वो हमेशा स्ट्रेट ग्रेन में कटता है और अगर योक पार्ट या फिर आपने कोई कॉलर बनानी है तो वो हमेशा क्रॉस ग्रेन में होती है। अगर आपको डेकोरेटिव पट्टी या फिर कुछ ऐसे डिजाइनिंग बनाने हैं तो आप उसे बायस ग्रेन में भी कट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रेन, ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें कपड़े की जो बुनाई प्रक्रिया होती है, जो उसकी वीविंग होती है, वो हमेशा दो तरीके से की जाती है। एक होता है हमारा लेंथ वाइज और एक होती है हमारी क्रॉस वाइज, जिसको हम ग्रेन भी कहते हैं। जो भी हमारी लेंथ में जो थ्रेड जाता है उसे हम लेंथ वाइज ग्रेन कहते हैं और जो क्रॉस साइड से आता है या फिर विड्थ साइड से होता है वो हमारी हमेशा क्रॉस वाइज ग्रेन होती है। लेंथ वाइज ग्रेन पे हम ज्यादा अधिकतर बॉडी पार्ट कट करते हैं, जो भी आपका फ्रंट एंड बैक होता है, जैसे आपके शर्ट का फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट या फिर बेसिक बॉडी ब्लॉक के फ्रंट एंड बैक पार्ट को, वो हमेशा लेंथ वाइज ग्रेन में ही कट होते हैं। क्रॉस वाइज ग्रेन में हमेशा योक पार्ट और आपके जो भी कॉलर्स या फिर बेल्ट पार्ट होते हैं वो हमेशा क्रॉस वाइज ग्रेन में कट होते हैं। लास्ट है आपका बायस ग्रेन। बायस ग्रेन में जितने भी हमको फैब्रिक्स पे फ्लेयर देना है या फिर किसी पे एक इलास्टिसिटी देनी है तो वो हमेशा बायस ग्रेन में ही कट होती है। ये आपके सर्कुलर स्लीव हो सकती है, सर्कुलर स्कर्ट हो सकती है, आपके जो भी पाइपिंग यूज करते हैं डेकोरेशन के लिए और जो गले की फिनिशिंग के लिए, जैसे आपका राउंड नेक है उसकी गले की फिनिशिंग देनी है, तो वो जो पट्टी कट होगी वो हमें बायस ग्रेन में ही कट की जाती है। इससे उसकी फिनिशिंग अच्छी आए इसलिए हम उसे बायस ग्रेन में कट करते हैं। लेंथ वाइज ग्रेन हमेशा सैल्वेज के अपोजिट या फिर पैरेलल में होती है। फैब्रिक की जो सैल्वेज होती है उसी के अपोजिट में आप उसे जो स्ट्रेट लेंथ में चलती है वो आपके लेंथ वाइज ग्रेन कहलाती है। जब भी हम कभी कोई फैब्रिक खरीदने जाते हैं तो हमेशा हमें ये चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, या फिर हम जब कभी कहीं कटिंग कर रहे होते हैं ड्रेसेस की, तो हमेशा सैल्वेज और ग्रेन लाइन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कोई भी कुर्ता तैयार कर रहे हैं और आपने लेंथ की जगह बायस ग्रेन में कट कर लिया या फिर क्रॉस ग्रेन में कट कर लिया है तो वो एक साइड से लटकने लग जाएगा या फिर उसका जो फ्लेयर होता है या फिर उसकी जो डिज़ाइन है वो पूरी चेंज हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। ये दो टर्म्स ऐसी हैं जो हमारे फैशन से रिलेटेड काफ़ी यूजफुल होती हैं और इन्हें समझकर हम एक अच्छा फैब्रिक खरीद भी सकते हैं और एक अच्छा गारमेंट तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।